हरे कृष्ण हरि बोल हरि कृष्ण हरि बोल बोल तुम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पद्रव्यस्य कृपा सिन्धुभ्यो च प्रतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल सकते शब्द भेदे में आपके गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोदश सत्य की मन भक्ति वेदांत सत्य कर वचन गुरु महाराज के चरण नमन करते अरे तो भी कृपा वंश करता हूँ तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग मित्रिला प्रविष्ट विष्णु पर अष्टोदश सत्य भक्ति वेदांत शंकर नारायण गोस्वामी महाराज मित्रिला प्रविष्ट विष्णु पर अष्टोदश सत्य भक्ति श्री रूपमति धाती गोस्वामी महाराज जगत गुरु कृपा सपरिकर्ष गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर्ष की कृपा शुक्र अनुमोदित जगत कुछ दिन पहले ही चारात्मन भजन जो लीला किया फिर उसके बाद किस प्रकार कृष्ण ने दाम बंधन लीला में ही जामुना अर्जुन दो अर्जुन वृक्ष को उद्धार किया उसको बारे में श्रवण किया तो आज उसके बारे में अभी श्रवण करेंगे कि बोलते हैं जो सौभाग्य ठाकुर जी के अपने पुत्र ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ जो सौभाग्य शिव जी हरिहर एकात्मा है लेकिन शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ और इतना तो छोड़ो अंकसायनी जो लक्ष्मी है उनको भी प्राप्त नहीं हुआ और सौभाग्य यशोमती मैया को प्राप्त हो गया क्यों की संध्य मैया किस प्रकार कृष्ण को गोद में लेते हैं धन्यवाद करते हैं किस प्रकार कृष्ण के साथ मधुर मधुर लीलाएं करते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि नायक तुकों को भगवान देही नाम गोपिका तथा ज्ञानी नाम च आत्मा भूता नाम जतार भक्ति मता नाम की गोपिका सुतम यहाँ पे गोपिका सुत अर्थ है कि कृष्ण कृष्ण को जिस प्रकार के सौभाग्य मिला कृष्ण को जिस प्रकार के कृष्ण के जो सुख को लीला को जिस प्रकार यशोमती मैया ने पूर्ण रूप में आनंदित किया पूर्ण रूप में उसको आस्वादन किया उसी प्रकार क्या हुआ कि ना ज्ञानी नाम जो आत्मभूतानम जो ज्ञानी लोग हैं जो आत्मभूत में जो प्रसन्न रहने वाले लोग हैं देहाभिमान लोग हैं उनको तो ठाकुर जी प्राप्त होते हैं लेकिन ज्ञानी और योगी को प्राप्त होते हैं लेकिन पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो पाते जो भक्त है उनको ही ठाकुर जी पूर्ण के पूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही ठाकुर जी वशीभूत होते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि भक्ति बृहद भागवत अमृत में बताया गया कि नारद जी उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि नारद जी किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसको प्राप्त हुआ है ठाकुर जी का सर्वश्रेष्ठ कृपा किसको प्राप्त हुआ है ये जानने के लिए क्रम से किस प्रकार उन्होंने ब्राह्मण के पास जाते हैं फिर उनसे राजा के पास जाते हैं फिर उनसे करके इंद्र के पास जाते हैं ब्रह्मलोक जाते हैं फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार पांच प्रकार का जो भक्त है प्रेमी भक्त शुद्ध भक्त ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त प्रेमापर और प्रेमातुर भक्त तो इनमें से भी कौन से तो सर्वश्रेष्ठ भक्त है किसको ठाकुर जी का विशेष कृपा प्राप्त हुआ जो ज्ञानी भक्त किस प्रकार उन्होंने प्रहलाद महाराज के पास गए नारद जी फिर उनके बाद जो शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज उनके पास गए फिर उनसे आगे थोड़ा प्रेमी भक्त के पास गए हनुमान जी के पास गए फिर प्रेमापर भक्त जो पांडव जी फिर प्रेमातुर जो भक्त के जो ठाकुर जी ने विशेष कृपा किया था उद्धव जी को उनके पास जब जाते हैं नारद जी तो उद्धव जी बोलते हैं कि उद्धव बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कृष्ण के सारे कृपा मुझे ही प्राप्त हुआ है लेकिन जब मैंने ब्रज में गया ब्रज में जाके मैंने देखा कि किस प्रकार नंद बाबा और यशोमती मैया का जो प्रेम है फिर किस प्रकार ब्रज गोपियों का प्रेम है फिर मैंने जब अंतिम में राधा रानी का प्रेम को देखा तो वहां पे मैं मूर्छित हो गया वहां तो मेरा का सारा जो घमंड हो चूर हो गया फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है कि ब्रज भक्ति जो गोपियों में भी जो राधा रानी का भक्त है वो
सबसे श्रेष्ठ है। फिर यहाँ पे बोलने उद्धव उद्धव हो गए हो, सुनी गोपियों का बोल। गुरुदेव इस प्रकार का बोल रहे हैं। फिर उद्धव जी को कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि न साधयति माम योग न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्या योगे यथा भक्ति ममार्जिता। कि हे उद्धव, जिस प्रकार यथा भक्ति ममार्जिता, जिस प्रकार मेरे भक्त लोग मुझे प्राप्त करते हैं, न साधयति माम योगे, कोई बहुत सारा योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कैसे नहीं कर सकते हैं? न सांख्य धर्म, किसी सांख्य अर्थात सांख्य का मीनिंग विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर गीता में बताए थे कि सम्यक ख्याल प्रकाशते इति सांख्य, कि किसी सांख्य के द्वारा वहाँ पे ठाकुर जी को प्राप्त नहीं किया सकता। ना तो अध्याय, किसी अध्याय के द्वारा, ना तपस्या योग के द्वारा, चाहे कुछ भी कर लो तो ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। ठाकुर जी कैसे प्राप्त होते? यथार्थ भक्ति ममार्जिता, केवल मेरे भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि उद्धव जी को कृष्ण का, उद्धव जी सोच रहे कि कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ कृपा उद्धव जी को प्राप्त हुआ है, लेकिन उद्धव जी, उद्धव से भी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है उन किसको प्राप्त हुआ? बोले सोरी राधा रानी जी को। फिर यहाँ से बता रहे हैं कि इसीलिए इस श्लोक में बता रहे हैं कि यथार्थ भक्ति ममार्जिता, कि जिस प्रकार का भक्ति है ज्ञानी योगी को भी वो दुर्लभ हो जाता है, उसी भक्ति अभी जसोदा माँ वो आनंद से कृष्ण को बांध रहे हैं, कृष्ण को माखन मिश्री दे रहे हैं, कृष्ण को डांट लगा रहे हैं, कृष्ण को भटका रहे हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं कि किस प्रकार ने कृष्ण को अभी जसोदा मैया ने पोखर में बांध दिया। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं यथार्थ भक्ति विमुचिता, कृष्ण तो भक्त के प्रेम से ऋणी है, अब ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे अरुणी बनूं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा तो अरुणी नहीं बन सकता, लेकिन ऋण तो चुकाना पड़ेगा। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं कैसे अरुणी बनूं। तो इतने में कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं अगर किसी को यहाँ पे उधार कर दूं तो हो सकता है मेरा ऋण थोड़ा कम हो जाए। तब जाके उन्होंने वहाँ पे जो उनके आंगन पे नंद बाबा की जो आंगन है उसमें दो विराट वृक्ष जो सत्ययुग से था, जामला अर्जुन, अर्जुन का वृक्ष जामला, अर्थात दो जुड़वे और पूरा आपस में ही लगे हुए दो वृक्ष था, उनके ऊपर ठाकुर जी का दृष्टि गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जामला अर्जुन वृक्ष कौन है। ये जामला अर्जुन वृक्ष है, एक समय पे इनके प्रसंग बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी पास, कि एक समय पे कुबेर जी के दो पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों ने धन और धन के मदमत्त में, क्योंकि कुबेर के पुत्र है, कुबेर को किस लिए पूजा किया जाता है, लक्ष्मी और कुबेर को किस लिए पूजा किया जाता है, धन के प्राप्ति के लिए। तो इन्होंने इतने धन में मदमत्त हो गए थे, तो इन्होंने एक सरोवर पे जाके स्नान कर रहे थे, कि कुछ अप्सरी को लेके विवस्त्र होके स्नान कर रहे थे और जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो उसी समय पे नारद जी उसी रास्ते पे भगवान के नाम कीर्तन करते हुए जा रहे थे। अब जिस समय नारद जी वहां पे गए तो उनको जितने देव कन्या थी, अप्सरी गण थी, उन्होंने झट करके नारद जी को देखते हुए अपने लज्जा निवारण करने, लज्जा को रखने के लिए झट करके सरोवर से ऊपर आ गए और वस्त्र धारण करके एक वृक्ष के पीछे छुप गए। लेकिन ये दोनों धन के इतने कामना से मदमत्त थे कि ये दोनों नारद जी को अपमान कर दिए। वहां पे बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे आ गए, ये कहाँ से साधु लोग इधर आ जाते हैं। फिर नारद जी को वहां पे बड़े अपमान करते हैं। तो ये अपमान को देख के नारद जी जब अपमान करते हैं तो नारद जी सोचते हैं कि अरे ये तो कुबेर का पुत्र है, कुबेर का पुत्र होने पर भी धन के जो धन उनके ज्यादा हो चुका है, इसलिए इन्होंने इतना मच गए हैं, इतना उसमें मच गए हैं कि अभी कुछ अपने सुदबुद्ध खो बैठे हैं, कुछ उनको पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ गुरुदेव बता रहे थे जिसके पास पैसा हो विशेष करके वो तीन चीज करता है, क्या कि जुआ खेलता है और शराब पीता है और त्रिसंग करता है। तो इसी बात को परीक्षित महाराज जी ने भी आगे हमने किस प्रकार सुबह इस प्रसंग पे कथा बोल रहे थे, तो वहाँ पे आया कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने भी कली को सोना में स्थान दिया, जो पैसा में स्थान दिया, और बोलते हैं कली को चार चीज में स्थान दिया, द्योतम पानम त्रियम और सोना। कि जिस जगह पे जुआ खेला जाता है, जिस जगह पे जिसके जो पान मतलब जो शराब पीता है और सोना जो जीव हिंसा करता है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि स्त्री हम जो स्त्री संग आदि करते हैं, यहाँ ये सब कौन करता है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो। तो यहाँ पे उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि दिनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान।
कि भगवान तो केवल दीनहीन व्यक्ति को ही कल्याण करते हैं। कुलीन पंडित जो उच्च कुल में जात वाला पैदा हुआ वाला कोई पंडित ब्राह्मण हो और जो धनी हो धनी व्यक्ति हो उसका बड़ा अभिमान रहता है, इसलिए वो भजन नहीं कर पाते। लेकिन भगवान किसको ऊपर कृपा करते हैं, संत लोग किसको ऊपर कृपा करते हैं, बोलते हैं जो जितना दीनहीन है। तो यहाँ पे नारद जी सोच रहे हैं कि इनको अगर किसके अंदर में पैसा है लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या समझनी चाहिए? ठाकुर जी इनके ऊपर में, ठाकुर जी का इनके ऊपर बहुत कृपा है, ठाकुर जी का भगवान की विशेष कृपा है ठाकुर जी की, जो कि अर्थ को लक्ष्मी को क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा रहे हैं। फिर वो जो लक्ष्मी है फिर ये भगवत प्राप्ति का कारण हो जाता है। इसलिए ऐसे नहीं केवल गरीब लोग ही भजन करते, जैसे भागवत में कथा सुनो, जितने प्रहलाद महाराज महाराज थे ना, महाराज राजा नहीं महाराज थे, ध्रुव महाराज, भरत महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज और हमारे श्री युधिष्ठिर महाराज, नंदबाबा महाराज, बृषभानु महाराज महाराज, ये सब बड़े बड़े महाराज थे ना, लेकिन इन लोगों ने सबके सब भगवान की भक्ति करते थे। इसलिए उसमें चार चांद लग जाती है, उसमें चार चांद लग जाते। तो गुरुदेव जी इसी बारे में कल बता रहे थे क्या रहा है कि अर्थ को अगर ठाकुर जी की सेवा में अगर यूज किया जाए तभी जाके वो अर्थ का साफल्य होता है, वो अर्थ सक्सेस होता है। लेकिन अर्थ को इधर उधर चीज में अगर हम लगाएंगे, सेवा के अगर विमुख सेवा के बहिर्मुख किसी चीज में लगाएंगे तो वो अर्थ हमारे अनर्थ का कारण बनता है। फिर ये संत के हृदय क्या है, संत हृदय नवनीत समान, संत बड़े दयालु होते, इसलिए नारद जी सोचे कि इनके ऊपर मैं कृपा करूंगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नारद जी इनके ऊपर कृपा किया और इनको श्राप दे दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नारद जी तो एक जगह पे आराम से भगवान के भजन करते हुए जा रहे थे, लेकिन उनको क्या जरूरत था इनको देखने का और इनको श्राप देने का। तो यहाँ पे गुरुदेव उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि किसी माता ने बड़े सुंदर किसी पकवान बनाए या कुछ मिठाई बनाए है और वो मिठाई अपने बच्चे को बहुत प्रिय है, लेकिन बच्चे अभी सो चुका है, बच्चे सो गया, अब माता क्या करेंगे, जैसे ही करके उठा के उसको उस पकवान जो भी बनाया है या वो मिठाई उसको खिलाएंगे, खिलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इतने मेहनत से बनाया है। अब वो बच्चे अब सो रहे हैं तो माता क्या करते हैं, उसको चींटी देके उठ जाओ बोल के बहुत कोशिश करते हैं और उनको उठा के खिला देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे नारद जी भी सोच रहे हैं कि नारद जी के सोच रहे हैं क्या, नारद जी क्या खिलाने चाहते हैं उनको, ठाकुर जी के जो दिव्य अमृत में लीला के दर्शन करके उनको अमृत देना चाहते हैं, ये अभी सो रहे हैं तो नारद जी उनको उसी मीठा प्रदान करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने नारद जी ने वहां पे साफ दिया कि तुम दोनों तुम्हारा साधु को देख के तुम्हारा कोई भी आचरण नहीं है कि तुम्हारा साधु को देखते ही तुमको धन में तुम इतने मदमस्त हो चुके हो कि साधु को तुम सम्मान नहीं करते, तुम जाओ वृक्ष बन जाओ। तब इनका जो वृक्ष बनना जो गति है वो भी बड़े दुर्लभ है। एक तो इन्होंने कहां पे वृक्ष हुआ, ये वृक्ष कहां पे बने, ये ब्रज में बने, जिस ब्रज के फूल के लिए उद्धव जी ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं वहां पे कितने बड़े वृक्ष बन चुके। और दूसरा क्या, जब ये वृक्ष बने फिर वृक्ष जीवन तो बहुत कठिन होता है, हर समय छाव धूप में बारिश में जड़ में पूरा का पूरा वृक्ष वैसे ही खड़े रहते हैं अचल के, कहीं घूमते तो नहीं है वृक्ष। तो वहां पे जिस प्रकार उन्होंने कठिन भी सहा लेकिन उनको ऊपर कृपा भी किया नारद जी ने, किया कि जब कृष्ण वहां पे नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष था तो जब कृष्ण मधुर लीला करते थे तो ये सबके सब लीला को उन्होंने जामला जिन वृक्ष ने दर्शन किया और दर्शन करते उसको आनंद किया, जिसको शंकर ब्रह्मा भी जो दुर्लभ भक्त को संत कृपा से वो ये हनुमान कुबेर और मणिग्रीव को प्राप्त हो गया। फिर देखो इनका जो गति है, अंतिम में ठाकुर जी इनको क्या गति दिया, निज धाम दिया, स्निग्ध कंठ मधुर कंठ के नाम से निज दो सखा के रूप में निज धाम दिया इनको, निज गोलोक धाम को प्रदान किया ठाकुर जी ने। अब इनका सेवा नित्य सेवा किया है निज धाम में, बोल रहे हैं एक तो प्रातःकालीन लीला में ठाकुर जी का जो लीला को गुणगान करते हैं और दूसरे सायंकालीन लीला में सायंकालीन लीला को गुणगान करते हैं। तो ऐसा गति और कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संत चाहे रुष्ट भी हो जाए, संत चाहे कुछ अभिशाप भी दे दे, संत चाहे क्रोधित हो जाए, संत है मंगलमय वस्तु, उनके जो मुख से निकाली हुई वाणी वो भी मंगलमय वस्तु है,
इसलिए वो कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए नारद जी जो अभिशाप दे दिए, ऐसा देखा जाता है कि संत लोग जो अभिशाप देते हैं उसमें कुछ ना कुछ विशेष रूप में कल्याण ही प्रदान करते हैं, कुछ ना कुछ क्रोधित करते हैं तो उसमें कल्याण ही करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि इनको अब कृष्ण सोच रहे हैं कि इनको अगर हम उद्धार करेंगे, जामुना जी वृक्ष को उद्धार करेंगे, अब कृष्ण को कौन मैया ने बांध दिया है कैसे उखल में। अब कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण देखे कि सब सखा लोग वहां पे थे, सखा लोग उपस्थित थे, तो जितने सारे सखा लोग वहां पे उपस्थित थे तो कृष्ण को कृष्ण बोले कि आके खोलने की कोशिश करो, तुम लोग तो माखन मिश्री चोरी में तो सहाय कर ले दो, अब मैं बंधा पड़ा हूँ, आके कोशिश करो। तब ये जब सखा लोग आके वो गांठ को खोलने के लिए कोशिश करते हैं, और प्रेम के जो रज्जू में जो बंधी हुई कृष्ण को उखल में उनको खोलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन खोल नहीं सकते। क्यों खोल नहीं सकते? क्योंकि सखा लोग उनका रस सख्य भाव है, और जो जसोमती मैया का रस तो क्या है, वो वात्सल्य भाव है। सख्य रस तो सख्य रस में समानता गुण है, लेकिन वात्सल्य भाव में एक और भी अधिक गुण है जो है ममता। तो ममता रूपी और तो वात्सल्य रस सख्य रस से श्रेष्ठ है, इसीलिए वो सख्य रस के जो भक्त लोग है, सख्य रस के जो सुदामा मधुमंगल आदि सखा, वो गांठ को खोल नहीं पाए। अब कृष्ण बोल रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, खोलो नहीं तो तुम हम तो खेलेंगे, नित्य कर्म तो करना है, अगर ये यहाँ पे बंदी रहूंगा तो मैं नित्य कर्म माखन कैसे चोरी करूंगा, हम खेलूंगा कैसे, भले ही मैया ने मुझे बांध लिया है तो मुझे तो अब खेलना ही है, तुम लोग पीछे से इसको उखल को धकेलो। अब कृष्ण ने सखा लोग पीछे से उखल को धकेलना शुरू किया, और कृष्ण जाके धीरे 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 वो जामुनार्जुन दिन वृक्ष के नीचे पे आ गए। जब जामुनार्जुन दिन वृक्ष के नीचे आ गए तो वहां पे उखल अटक गए, और कृष्ण ने थोड़ा जोर लगाया, और जैसे ही थोड़ा जोर लगाया तो वहां पे वो जामुनार्जुन दिन वृक्ष दो उल्टे दिशा में गिर गया, और गिरने के बाद बहुत जोर से शब्द हुआ, और दो दिव्य मणिमान पुरुष जो मणि नल कुबेर और मणिग्रीव वहां से प्रकट हो गए, और ठाकुर जी को स्तुति करने लगे कि बोलने की कृष्ण कृष्ण। इसके बाद में कोई बोल सकता है? राहुल बोल सकते हैं? इसके बाद राहुल इसके बाद में बोल सकते हो? वो तो बोलेंगे फिर वेदर भी यहाँ पर कौन है बड़ी बड़ी पढ़ी ना। हाँ तो तुम आगे हाँ थोड़ी सी तुम हाँ बोलो आ जाओ, उसके बाद बोलो तुम ये कथा सुनाना है, फल बिक्री वाली कथा पढ़ कर आया कि नहीं? हाँ उस कथा सुनाना आप लोग ना देने कहीं सुना सकते हैं। कल जो फल बिक्री की कथा कौन कौन थे कल, तो किसको याद है फल बिक्री कथा? हाँ बोलो। अभी नल को बिना मणि के वहां पर जब प्रकट हुए हैं, उन्होंने कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वम आध्याय पुरुष परम व्यक्त अव्यक्त दम विश्वम रूपम ते ब्राह्मण विदु, कि हे कृष्ण, यहाँ बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण महायोगी, हे कृष्ण कृष्ण दो बार क्यों प्रयोग किया, क्योंकि वे दो व्यक्ति थे नल कुबेर और मणिग्रीव। तो उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप कौन हो, आप विश्व ब्रह्मांड के आदि हो, आप ही कौन हो, आप परम पुरुष हो, और जो व्यक्त अव्यक्त विश्व है इस पूरे का आप ही रूप हो, आप ही एकमात्र इनके स्वरूप हो। एक और श्लोक में वंदना करते हुए बता रहे हैं कि नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः, हे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं, हे वासुदेव हम आपको नमस्कार करते हैं, आप कौन हो, आप परम कल्याण स्वरूप हो, आप परम मंगलमय हो। इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए अगले श्लोक में बता रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्ते च कर्मसु मनसस्त्व पदार्यो स्मृत्यां शिरस्त्व निज निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने भवतार नूनाम। इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने हमारी वाणी, हमारी जो वाणी है वो किसमें लग जाए, आपके गुण के गुण कथा आपकी कथा बोलने में ही लगे, अगर हम इस मुख से कुछ उच्चारण करें तो आपका नाम ही उच्चारण करें, आपकी कथा ही बोलें। इसलिए भागवतम में बताया गया है ना कि अगर इस मुख से इस जिह्वा से अगर हमने भगवान की कथा नहीं बोली, भगवान का नाम नहीं बोला और दुनिया जहान की बहुत सारी बातें करी, तो किस प्रकार बताया है, वो बताया जिस प्रकार एक मेंढक टर्टर करता है,
बारिश के मौसम में जिस प्रकार एक मेंढक टर टर शब्द करता है, अभी ये मेंढक आहार है सांप का, तो सांप सोचता है कि मेरा आवाज स्वयं मुझे बुला रहा है, मुझे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उस शब्द को सुनते सुनते सांप आता है और उस मेंढक को खा लेता है। उसी प्रकार इस अगर जिह्वा से हमने भगवान नाम नहीं लिया तो ये क्या बताया है, भागवतम कहता है जिह्वा दार्दुरी के सूत न च उपगाय की उरुगाय गाथा, कि भगवान की अगर गुण कीर्तन नहीं किया, उनकी कथा नहीं हमने गान करी, तो ये हमको एक दिन आकर काल ग्रास कर लेगा, काल सर ग्रास कर लेगा। बता रहे हैं श्रवणों कथाया, अर्थात इन कानों से अगर हम कोई चीज श्रवण करें तो क्या करें, भगवान की कथा ही श्रवण करें, भगवान का नाम ही श्रवण करें। वरना ये कान क्या है, ये बिल के समान है, बिले बतोरुक्रम विक्रमा ये न श्रवणवते कर्णपुटे न रस्य, ये इन कथों से इन कानों से अगर भगवान की सुंदर हरिकथा नहीं श्रवण करी तो ये एक बिल के समान है जिसके अंदर विषधर शर्प निवास करता है। बता रहे हैं हस्तो च कर्मसु, कि हमारे हाथों से क्या हो, आपके भक्तों की सेवा हो, आपकी सेवा हो, जैसे जो भी काम करो उससे मुख से भगवान का नाम लो और हाथों में भगवान का काम करो। तो बता रहे हैं हाथों से अगर भगवान की सेवा नहीं हुई तो क्या बताया, शाहो करो न कुरुते, कि इन हाथों में अगर सोने के कंगन से भी अगर सुशोभित हो लेकिन फिर भी ये मृत तुल्य है, इन हाथों को बताया ये किसी कार्य के नहीं है। उसके बाद बता रहे हैं कि स्मृत्याम शिरस्त्व निवास जगत प्रणामे, कि मस्तक हमारा मस्तक क्या है, आपके भक्तों के सामने झुके, आपको प्रणाम करने के लिए झुके, आपके भक्तों के सामने झुके। ये लोग स्मरण करके बता रहे हैं कि अगर नारद जी जिस समय इनको अभिशाप मिला था उस समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे, ये लोग विवस्त्र खड़े होकर वहां पर नारद जी को देख रहे थे, उनको संत को देखकर प्रणाम भी नहीं किया। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर संत को देखकर प्रणाम भी नहीं किया तो ये सिर क्या है, हारम परम पट्ट किरीट जुष्टम न नमेन उत्कुंदम अपि उत्तमांगम, कि इस सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट सुशोभित है या बड़ी सुंदर रेशम की पगड़ी भी बांध रखी है तो भी ये भार सदृश है। क्यों? क्योंकि ये आपके भक्तों के सामने झुकता नहीं है, आपके संतों को देखकर प्रणाम नहीं करता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि अगर संत को देखकर प्रणाम नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, 3 दिन तक उपवास रखना चाहिए, सवस्त्र गंगा स्नान करना चाहिए। गुरुदेव बतला रहे थे कल कि सन्यासी देखिया जीवन नाम नुमाए मुंड तार मुंड पड़े गया नरकेर कुंड, कि अगर किसी सन्यासी को देखकर किसी ने प्रणाम नहीं किया तो वो घोर नर्क में उस क्या नुमाए तार मुंड नरके पड़े तार कुंड, कि नरक कुंड में उसका सिर जाकर गिर जाएगा। इतना महत्व है संतों को प्रणाम के, संतों को देखकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अभी यहाँ पर वो दोनों भगवान की इस प्रकार सुंदर स्तुति करते हुए और दोनों ने दो स्वरूप धारण किए, एक स्वरूप से नल कुबेर और मुनि ग्रीव रूप में उस स्वर्ग में चले गए इंद्र के कुबेर के पुत्र बन के, और एक स्वरूप से मधुकंठ और स्निग्धकंठ रूप धारण करके वो गोलोक वृंदावन में चले गए। उसके बाद बता रहे हैं कि नारद जी जब वहां से गुजर रहे थे क्यों, तो उन्होंने नलकुबेर और मुनिग्रीव पर कृपा करी क्यों, तब यहाँ पर भगवान स्वयं बता दे रहे हैं कि साधुनाम सब चित्ता नाम शुद्ध नाम मत कृतात्मना दर्शनान्न भवेत बंध पुंसो अक्षणो शवितुर यथा, कि साधु कौन होते हैं, नारद जी जैसे साधु वो समदर्शी होते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, उनका कोई अपना पराया नहीं होता, इसी वजह से उन्होंने उन दोनों को देखकर कृपा करी। साधुनाम सब चित्ता नाम, और साधु का दर्शन किस प्रकार का है, साधु अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, बताया ना गंगार परश हेले पश्चाति पावन दर्शन पवित्र करे एक तुम्हार गुण, कि साधुओं का ये गुण है कि वो अपने दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय हो और सूर्योदय से अंधकार अपने आप चला जाता है, उसी प्रकार साधु के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इस प्रकार की स्तुति करते हुए बाद में बतला रहे हैं कि अभी तक तो ये दोनों जब गोलोक वृंदावन में चले गए, फिर उसके बाद में जब पेड़ गिरे थे तब बहुत जोर से शब्द हुआ, बहुत जोर से शब्द हुआ तो सारे ब्रजवासी वहां पर एकत्रित हो गए, सब लोग सोच रहे थे मानो कहीं पर वज्रपात हो गया है, ये सोचकर वहां पर नंद बाबा भी आ गए और नंद बाबा ने देखा कि कृष्ण वहां दोनों पेड़ को बीच में फंसे हुए हैं, उपल से बंधे हुए हैं। नंद बाबा वहां पर जवाब पर जाके और उन्होंने बड़ी आसानी से वो गांठ जो माँ ने बांधी थी वो प्रेम बंधन को खोल दिया। क्यों? यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि मैया यशोदा और नंद बाबा ये दोनों ही वात्सल्य रस में हैं, समान रस में होने के कारण वे इस प्रेम बंधन को खोल पाए। जब सखाओं ने पहले चेष्टा करी थी तो विफल हो गए। क्यों? क्योंकि सख्य रस वात्सल्य रस से नीचे है। उसके बाद में नंद बाबा यहाँ पूछते हैं कि बोले तुमको किसने बांधा, बोले मैया ने, और बोले किसने खोला, बोले बाबा ने, तो बहुत मैया मैया करते हो ना, अभी जाओगे मैया के पास में, वहां पर
कृष्ण बोलते हैं, बोले अपने मैया के पास में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं बाबा के पास नहीं रहूंगा। वहां पर मैया यशोदा भी आई और देखकर बड़ी ही हैरान हो गई, और वहां पर नंद बाबा ने मैया यशोदा पर बड़ा शासन करते हैं, उनको डांटते हुए कहते हैं कि थोड़ी मटकी ही तो फोड़ी थी, एक दो मटकी ही तो फोड़ी थी, या थोड़ा दूध ही तो ढुला था, अब तुमको बाबा इस लाला को इस तरह से बांधने की क्या जरूरत थी, बुढ़ापे में हमको ये लाला प्राप्त हुआ है, एक लाला प्राप्त हुआ है, और उसको भी तुम इतना कठिन शासन करती हो, वो तो भाग्य अच्छा था कि दोनों पेड़ दोनों तरफ गिरे, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो लाला तो वहीं पे मृत्यु, लाला की मृत्यु हो जाती। और उन्होंने इस प्रकार यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं कि लगता है तुम्हारी दही दूध से इन मटकियों से बहुत आ सकती है, तुम इन्हीं को लेकर यहाँ पर रहो और मैं चला जाता हूँ, मैं दोनों बच्चों को लेकर कृष्ण बलराम को लेकर मैं चला जाऊंगा तीर्थाटन पर। जब नंद बाबा ने ऐसी सारी बातें यशोदा मैया से कही तो वे बड़ी दुखी होगी, दुखी होकर क्रंदन करने लगी और रोती रोती अपने हाथों को कोस रही है कि मेरे हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, मैंने इन्हीं हाथों से लाला को बांधा। बड़ी अफसोस मनाती हुई वह घर में चली गई। यहाँ पर नंद बाबा ने कृष्ण बलराम को धार्ष्ण दूध के अंदर मिश्री मिला के और पिलाई, और शाम के समय में ब्रह्मांड घाट पर स्नान करा के फिर जब वापस घर में लौटे हैं, अभी नंद भवन के एक कोने में यशोदा माँ है, बड़ी दुखी है, क्रंदन कर रही है, और दूसरे कोने में नंद बाबा बलराम और कृष्ण को लेकर बैठे हुए हैं, दोनों में अभी लड़ाई हो गई है। अभी रोहिणी मैया सोच रही है कि इन दोनों की लड़ाई कैसे दूर कराई जाए, तो उन्होंने क्या किया, बलराम से कहा कि बोले बलराम तुम कृष्ण का हाथ लेकर ले जाओ और मैया यशोदा की गोद में ले जाओ, क्योंकि इसी से ही दोनों की लड़ाई दूर हो सकती है। तो जैसे ही बलराम ने चेष्टा करी, कृष्ण का हाथ पकड़ के कह रहे हैं बोले कान्हा चल हम माँ के पास में चलते हैं, तो माँ की गोद में लेकर चलता हूँ, कान्हा ने तो इतना जोर से झटका मारा कि बलराम प्रभु वहीं गिर गए। रोहिणी मैया वहां पर कहती है कि क्यों कान्हा तुम मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैं माँ के पास में नहीं जाऊंगा, माँ मुझे मारती है। तो बोले तुम सोओगे कहाँ पर, बोले मैं बाबा के पास में ही सोऊंगा, बच्चों का अभ्यास होता है माँ की गोद में सोने का, यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैं बाबा के पास में सोऊंगा, माँ के पास में नहीं जाऊंगा। बोले बाबा तो तुम्हें दूध नहीं पिला सकते, दूध तो माँ ही पिलाएगी, बोले नहीं बाबा ने मुझे धार्ष्ण दूध में मिश्री मिलाकर और अभी पिलाया है। बोले खेलो भी किसके साथ में, दाओ भैया के साथ में। अब ये बोल रहे हैं रोहिणी मैया बोलती है कि अगर तुम मैया के पास में नहीं जाओगे, तुम्हारे विरह में अगर माँ मर गई तो इतना सुनने मात्र से ही कृष्ण तो दौड़े दौड़े गए और मैया को आलिंगन करते हुए उनकी गोद में चले गए। ये देखकर, ये मनोहर लीला देखकर वहां पर सभी ब्रजवासी बड़े जोर जोर से क्रंदन करने लगे। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने बताया ना, इति दृक् स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, कि भगवान ने ऐसी अनेक मधुर मधुर लीलाएं कर करके सभी ब्रजवासियों को मोहित कर दिया। कभी ब्रज गोपियां कृष्ण से कहती है कि कृष्ण कृष्ण के बल को चेक करने के लिए क्या कहती है गोपियां कि जाकर तुम हम खड़ाव ले आओ, नंद बाबा जैसे हम पहले श्रवण कर रहे थे, नंद बाबा अगर कृष्ण को कहते हैं कि जाकर मेरा खड़ाव तो ले आओ, तो कृष्ण क्या करते हैं, खड़ाव को बड़े कष्ट से ठमकते ठमकते जाते हैं, बड़े कष्ट से उठाते हैं और उठाकर हाथ में धारण नहीं कर पाते, अपने मस्तक पर लेकर और ठमकते ठमकते बाबा के पास में आते हैं। नंद बाबा ये देखकर बड़े आनंदित होते हैं कि लाला ने मेरे खड़ाव को हाथ में नहीं अपने सिर पर लेकर आ रहा है, बड़ा संस्कारी बच्चा है, मानो हमारी बुढ़ापे में बड़ी सेवा करेगा। कभी गोपियां कृष्ण बलराम को कहती हैं कि देखो तुम दोनों मल्ल युद्ध करो और जो भी तुम दोनों में युद्ध में जीतेगा उसको हम माखन मिश्री देंगे, लड्डू देंगे। अभी जैसे बच्चे हाथ पैर चलाते हैं वैसे कृष्ण बलराम दोनों हाथ पैर चला रहे हैं, और कृष्ण कभी हार जाते हैं तो मैया यशोदा से कहते हैं कि माँ मैं हार क्यों गया, मैया बोलती है बोले तुम्हारे पीछे पीछे कितना भागना पड़ता है तुम्हें खिलाने के लिए, हाँ देखो दाऊ को जो भी मैं देती हूँ माखन मिश्री ढेर सारा खा लेता है, तुम कुछ खाते नहीं, तुम कमजोर हो इसलिए तुम हार गए। कभी कृष्ण क्या करते हैं, कभी कृष्ण दाऊ भैया की चोटी को देखकर बोलते हैं बोले मैया दाऊ भैया की चोटी तो बड़ी सुंदर है लेकिन मेरी चोटी तो बड़ी छोटी है, तो मैया यहाँ पर कहती है कि तुम माखन मिश्री ठीक से खाओ, माखन मिश्री खाओगे तो तुम्हारी चोटी भी बढ़ती जाएगी। तो बोले लाओ मैया मैं अभी माखन खाऊंगा। कृष्ण इस प्रकार क्या करते हैं, एक हाथ से माखन खाते हैं और फिर चोटी देखते हैं, फिर इधर माखन खाते हैं फिर चोटी देखते हैं, बोले मैया तुम तो मेरे को पागल बना रही हो, माखन मिश्री तो काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण यहाँ पर करते हैं। अभी इसलिए इसके बाद में राधा रमन सुना बोलो श्री गुरुदेव जी इधर 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 दर्शन दे दो सबको, दर्शन खड़े हो जाओ। हाँ वहाँ वहाँ वहाँ
राजा बोलो काफी भर रहा है उसको देखने का जरूरत नहीं, जो याद थोड़ी बोल दो बस, थोड़ी जो याद है उसको बोल दो। श्री गुरुदेव जी की जिस प्रकार जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे, एक दिन का समय है कि एक बूढ़ी माता वहाँ पर कृष्ण दर्शन की लालसा से फल बेचने आई, और वहाँ पर जब कृष्ण के दरवाजे के बाहर आकर वो जोर जोर से कह रही है, फल ले लो कोई फल, फल ले लो कोई फल, ये सब ये बात सुनकर वहाँ पर कृष्ण के सखा तो आ गए, परंतु कृष्ण नहीं आए। जब उस दिन कृष्ण नहीं आए तो माता बहुत दुखी होकर कृष्ण का दर्शन नहीं मिलने के कारण वहाँ से चली गई, और फिर अगले दिन फिर दोबारे में आए, वह कृष्ण दर्शन की लालसा में इतनी व्याकुल थी, वह फल ले लो फल कहना तो भूल गई, पर कहने लगी, कोई गोपाल ले लो गोपाल, गोविंद ले लो कोई गोविंद, ये सब कह रही है। पर कृष्ण तो अंतर्यामी में सब जानते हैं कि ये बूढ़ी माता क्यों आई है, फिर कृष्ण ने उनकी लालसा को जानते हुए अपने अंदर अनाज ग्रह में से एक लको अनाज लिया और फल लेने के लिए बाहर जाने लगे, पर ठाकुर जी तो बहुत छोटे हैं, उनको लपो बनाने आती नहीं, तो जिस प्रकार की उन्होंने अपने हाथों में अनाज दिया, इतने भी उस माता तक गए तो वह सब अनाज वहाँ पर गिरता हुआ जा रहा था। तो अनाज को मानते हैं लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी जैसे ठाकुर जी के चरणों में बार बार विनती करते हुए जा रही थी, विनती कर जाते और भूल गया विनती क्या कर रही थी, आप मैं चरणों पकड़ती हूँ, मेरे को घर से बाहर मत निकाल। लक्ष्मी कहती कि मुझे घर से बाहर मत छोड़ो, तो फिर भी सब जा रहे थे, तो इसमें ठाकुर जी वहाँ तक चरण का नूपुर भी आवाज होने लग गई। बोलो 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 ये जा रहे वीडियो जा रहे ठाकुर जी वहाँ तक पहुँचे, तो उनके हाथ में कुछ दो चार दाने ही रहे, और उन्होंने वे दाने ले जाकर उस बूढ़ी माता की टोकरी में डाल दिए, टोकरी में दाने डालते हुए दाने नीचे की तरफ चले गए, क्योंकि दो चार दाने थे और टोकरी मत से भरी थी, तो वे माता की बूढ़ी माता कहने के लाओ मुझे फल दो, तो बूढ़ी माता कहे पहले कुछ मुझे दोगे जब तुम तुम्हें फल दोगी, क्योंकि ये तुम बहुत नई बात बता रहे हो कि मुझे कुछ दोगे, ब्रज में तो सभी मेरे लिए सब कुछ बनाते हैं, जिसमें कोपियाँ सब मेरे लिए माखन दूध बनाते हैं, ये तो नई बात बता रहे हो, पहले मुझे कुछ तो जब दोगी, जब मैं कहा माशे दूँ तो मुझे कुछ दोगे जब तो दोगी, तो फिर किसी कहने लगे बताओ क्या चाहिए, तो उनके मुझे एक बार माँ बोलती और मेरी गोदी बैठ जा, बोलते हाँ ये कैसे हुआ, पता नहीं तुम कौन सी जाति हो, इसे अपने मन में सोचने लगे पता नहीं कौन सी जाति की है, वैसे यहाँ पर गोपियाँ मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे खिलाती रहती है, तू ऐसा है तू ऐसा है, तुम यशोधरा बेटा नहीं थी उठा के लाइए, अगर मैं इस गोदी में बैठ गया तो मुझे तो जीना आराम कर देगी, फिर मेरे पीछे पड़ जाएगी, तो ठाकुर जी इधर उधर दोनों देख रहे और माता के कोई है नहीं कोई है नहीं, ठाकुर जी तुरंत एक ही क्षण में माता की गोदी में बैठ गया और उठ गया, उनको वहां पहुंच गया, बस इतना कहते ही तो वे बूढ़ी माता का पूरी आनंदित हो गई, और जब आनंद से भर गए तो उनके तो आनंद की सीमा नहीं, कि साक्षात परम ब्रह्म जिनकी गोद में बैठ गया तो उनको कितना आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि वे तो आनंद घन है, उनसे तो ऊपर कोई आनंद है नहीं, इतना आनंद होते तो बूढ़ी माता तो आनंद से भरी, और जितने पर कृष्ण के झोली में उन्होंने सारे फल भरते हुए फल लेकर अपने घर पर आ गए, और जब वो बूढ़ी माता वहां से अपनी टोकरी को उठाकर चलने लगी तो कुछ ही दूरी पर रह गई थी, उनको वह टोकरी बहुत ही भारी लगने लगी, जब उन्होंने वह टोकरी उतार कर देखा तो वह टोकरी अमूल्य रत्नों से भरी हुई थी, तो वो फिर वो बहुत रोने लगी, हे प्रभु ये आपकी कैसी माया, मुझे ये माया नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपका नित्य दर्शन चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि डेली मुझे आपका दर्शन मिले, इसके बाद गुरुदेव आज बताएंगे वंशा कर बोले के पास से गुरु आप की बोले हरे कृष्ण हरि बोल। गतकाल हम लोग ये सब कथा को सुन रहे थे, उसमें एक दो सीखा है, जैसे फल बिक्री आनी पहले दिन ही आई, लेकिन दूसरे दिन भी आई, लेकिन ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए और वो फल को सखाओं ने खाए हैं। यहाँ कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर मुझे खिलाना चाहते हो पहले क्या करो, मेरे भक्तों को पहले खिलाओ, क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान के निवास है, जब मेरे भक्त संतुष्ट हो जाते तब मैं अपने आप संतुष्ट हो जाता हूँ, इसलिए पहले मेरे भक्तों को खिलाऊँ, ये भी शिक्षा। दूसरे उन्होंने दो दिन तक क्यों नहीं आए, कारण ही उनको उत्कंठा बढ़ा रहे थे, कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो उसका हम महत्व नहीं देते,
और जब तक उत्कंठा नहीं हो तब तक कोई चीज हमें नहीं मिलती है। इसलिए इतने उत्कंठा हो गई, तीसरे दिन तो वो भूल गए फल बेचना। क्या कहती है, गोपाल लेगा कौन गोपाल, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, कृष्ण लेगा कौन कृष्ण, हैं? तीसरा दिन तो भूल गए फल बेचना, इतने कृष्ण चिंता में और डूब गई थी। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर कोई भगवान को पाना चाहते हैं हमें पागल पागल बनना पड़ेगा। कहते ना, कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के। कहते हैं जितने सारे पागल सब झूठा पागल है, सच्चा पागल कौन है, जो पागल है बाके। इसलिए जब एकदम कृष्ण चिंता में एकदम बाबरी बन गई, कृष्ण तो सब जानते, घट घट बाजी सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनको दर्शन देने के लिए उन्होंने तैयारी हुए ठाकुर जी। और गेहूं उठा कर जब आ रहे थे, इतने में कुछ दिन पहले जमला अर्जुन भाजन हो गया, होने का नाते नंदो भगवान बोले देखो कान्हा जैसे घर से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि एक को बाद में एक विपत्ति आती जा रही है। जैसे कान्हा किसी तरह से बाहर नहीं जा पाए, इसलिए हर समय नजर रखा करना। इसलिए नंदोबा का आंगन बहुत बड़ी, बीच में गेहूं के ऊपर खेल रहे थे, चारी तरफ में गोपियां काम कर रही थी और बीच बीच में देख रही थी ये कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि इतने सारे विपत्ति से बच गया। और लास्ट में पेड़ इसको ऊपर गिरने लग गया था, पहले तो दैत्य लोग हाथ धोकर पड़ गए, तभी ये पेड़ अपने आप गिरने लग गए। इसलिए सबके सब बड़े कड़ी नजर में देख रहे थे, वो बीच में खेल रहे थे, लेकिन जब थोड़ी देर बाद में देखा ना कृष्ण ही नहीं, बोले कृष्ण गया था, तो अभी अभी तो खेल रहा था, गया कहाँ कृष्ण इतने में। लेकिन जब कृष्ण हाथ में गेहूँ लेकर गए ना, वो हाथ के छेदते गिरते गिरते गया, अभी उसको चिन्ह पड़ा हुआ था। मानो यहाँ कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को ढूंढोगे ना, जब तक मैं स्वयं तुमको पकड़ में नहीं आऊँ, जगत में किसका हिम्मत है ही नहीं जो मुझे पकड़ ले, हैं, मुझे कोई पकड़ ले। मानो कृष्ण स्वयं रास्ता दिखा कर गए, अगर मेरे पकड़ना तो देखो, अगर ढूंढोगे ना, ये मेरे चिन्ह रखते रखते मैंने गया, इसको देखते 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 तुम लोग आ जाना। इतने में गोपियों ने धीरे 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 देख रहे थे ये करता है क्या, ये सारे चीज देख लिया। कृष्ण तो सोच रहे थे जैसे कृष्ण मैंने जो छोटे जाति की गोद में बैठा उसको माँ बोला, शायद कुछ ने देखा नहीं, लेकिन ये गोपियों ने सब कुछ देख लिए, कृष्ण क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हैं? कैसे के छोटी जाति की गोद में बैठे कैसे माँ बोले। जब कृष्ण फल लेकर के आए ना, जब कृष्ण फल लेकर के आए, बोले लाला इतने फल किसने दिया है, बोले कि फल बेचने वाले, हैं, फल बेचने वाले दिए। इतने में बोले इतने फल दे दिया। इतने में गोपियाँ कृष्ण क्या सोच रहे थे, किसने देखा ही नहीं, लेकिन गोपियों ने सब कुछ देख लिए। बोले मैया ऐसे फल नहीं मिल गया, पता नहीं कहाँ से, बिना कहाँ से, कोई जात पात ठीक नहीं, कहाँ से कोई एक फल बेचने वाली आई थी, जानते हो तेरे लाला ने क्या किया, उसको गोद में बैठा और उसको माँ बोला इसे थोड़ी फल मिला। कृष्ण ने सोच रहा था हे भगवान, मैं तो सोच रहा था किसने देखा ही नहीं, सारे मोर पोल पट खोल गए। इतने में कृष्ण तो डर गए, भैया नहीं मारे हैं, मारे नहीं मेरे, क्योंकि मैंने छोटे जाती गोद में बैठा किसको माँ बोल दिया। लेकिन वो तो जसोदा है ना, जसोदा मतलब जसम दताती इति जसोदा, सबको जो जस देती है। बोले उसमें क्या हो गया, अगर कोई दूसरे स्त्री अगर मेरे लाला को अगर कोई बोलता है लाला, उसमें बुराई थोड़ी है, कोई बुरा। कृष्ण ने देखा माँ मेरे पक्षे छाती पर चौड़ा होते हैं, हाँ, बोले भैया मेरे, हाँ भैया मेरे पक्षे में है। फिर भैया ने सारे फल को आमुनिया करके ठाकुर जी को भोग लगाए, फिर उन्हें सबको उन्होंने खिलाए। तो यहाँ प्रश्न होता है, फिर कृष्ण उसकी गोद में बैठे क्यों, कारण किया, उसका कारण कहते हैं, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण जाने की वनवास में गए, जब उन्हें निषाद का राज्य पर पहुंचे, इतने में निषाद राजा को साथ में उनकी मित्रता है, राम का मित्रता हुई। कहते देखना जो मित्रता का माँ है ना, माँ दोनों मित्र का माँ करके माँ बोलते हैं, हाँ, जो बहुत ज्यादा मित्र हो जाए ना उसको माँ भी माँ बोलते हैं। इतने में उनका पूरा परिवार आए निषाद राजा की, तब निषाद राजा एक एक करके सबका परिचय देते, बोले प्रभु मेरे पिताजी है, ये मेरे भैया है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहनी है, ये मेरी परिवार है। अभी प्रभु राम तो बड़े सुंदर थे देखने में, अब निषाद की जो माँ थी प्रभु राम का रूप देख करके ना उनको बाबरी बन गई, क्या सुंदर रूप है। अभी इनके मन में इच्छा हुई क्या कभी ये भी मेरे गोद में बैठेगा और कभी मेरे को माँ बोलेगा, कभी
तो मेरे स्तन पान करेगा ही करेगा ही। कृष्ण तो सर्वंतर जी हम सब जानते हैं, कृष्ण इनके भाव ग्राही जनार्दन, कृष्ण समझ गए। बोले देखो रामा अवतार में तो मैं कौशल्या कही गई सुमित्रा शिवाय और किसको मैं माँ बोल नहीं सकता हूँ। मैं जब द्वापर युग में आऊंगा फिर तुम्हारी गोद में बैठ करके तुमको मैं माँ बोलूंगा। मानो वही द्वापर युग में ये फिर फल बेचने वाले रूप में आई और ठाकुर जी उनकी पूरी इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी किए है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की हिताय गौर प्रेमानंदे हरे। 5 मिनट की कथा सुन लेते ठीक है, इसलिए खत्म कर रहा है, इसलिए हम 5 मिनट का और कथा सुन लेते ठीक है। कहते एक दिन कृष्णा बलराम अपना सखाओं के साथ में खेल रहे थे और मैया घर की काम कर रही थी। काम करते करते अभी घर का भोजन बन गया है, प्रसाद भोजन बन गया। तो रोहिणी को बोले रोहिणी एक काम कर, जाओ कृष्ण बलराम को बुला करके ले आओ, घर में प्रसाद बन गया। इतने में रोहिणी गई, जब पकड़ने के लिए रोहिणी गई, जब कोशिश करती ना पकड़ने के लिए उनको पकड़ में नहीं आते। वो बच्चे जैसे खेलते हैं ना, यहाँ से वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ से वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ से वहाँ, और रोहिणी किसी तरह से पकड़ नहीं पाई। जब पकड़ नहीं पाई एकदम हैरान हो गए, हो करके वापस आए, बोले जसोदे मेरे काम नहीं है लाला को पकड़ना, तू पकड़ कर ला, मैं नहीं ला सकती हूँ। क्योंकि एक बालक नहीं कितना थे, वो दो बालक कृष्ण बलराम एक को पकड़ने के लिए दूसरे भाग जाए, दूसरे पकड़ने के लिए जाए और दूसरे भागे, तू जाकर पकड़ करके ला। इतने में वहां पर मैया गई, मैया जा करके बोले कृष्णा बलराम, यहाँ पर जो नाम में पुकारती है, कहते कृष्ण को कहते नीलोत्पल, भगवान की जो आंखें हैं बड़े सुंदर उनके नेत्र है, इसलिए कहते हे नीलोत्पल हे कृष्णा, आज तुम्हारी जन्म नक्षत्र है, घर की खाना बन गया है, भोजन बन गया है और पिताजी तेरे लिए अपेक्षा कर रहे हैं, जब तुम दोनों आओगे तब पिताजी भोजन करेंगे। आज जन्म नक्षत्र में आज तुमको तुम्हारे हाथ को स्पर्श करा के पिताजी ब्राह्मण को गोदान देने वाले, इसलिए जल्दी जल्दी आओ। देखो तुम्हारे साथ का जो सखा लोग है ना, तुम तो अभी तक खेल रहे हो, देखो दूसरे वालों का देखो, इन लोगों ने स्नान करके अपने कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हो, अभी तो खेल रहे हो। मतलब क्या है, अगर दूसरे बालकों को देखेंगे ना बच्चे, अरे ये स्नान कर कपड़ा पहन लिए, हम भी नए कपड़े धारण नहीं किए, पर बच्चों के अंदर में क्या होता है, मात्सल्य होता है, अरे मैं भी जल्दी जल्दी स्नान करके मैं भी जल्दी जल्दी नई नई कपड़ा पहन लूँ। इसलिए उन्होंने जब ऐसे बोले तब इतने में कृष्ण बलराम आए। और कभी कभी जब रोहिणी बुलाने के लिए जाती है कृष्ण बलराम आते ही नहीं, लेकिन मैया जसोदा को पता है कैसे बालों को बुलाना। इतने में कृष्ण बलराम मैया जसोदा गई, अरे लाला 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 शाम हो गया, देखो हवा है, हवा आ रहा है, फिर भूत का डराते है ना, देखो हवा आ रही, बोले कहाँ भाई, बोले देख देख हवा पीछे पीछे पकड़ने वाले, भूत पकड़ने वाले। कृष्ण बलराम डर जाते हैं, बोले हवा पकड़ लेगा, बोले हाँ हवा पकड़ ला, देख पीछे आ रहे, देख देख बच्चे को जैसे डराते है ना, देख कर बोले भैया कहाँ, बोले देख पीछे आ रहे, पकड़ लगा भी, अरे कृष्ण बलराम सुनकर भागते हुए आते हैं। हाँ भागते हुए आकर के डर के मारे मैया की गोद में दोनों आकर के चिपक जाते हैं। फिर मैया कृष्ण बलराम को लेकर के घर में ले आती, फिर स्नान करा के नंदा बाबा का गोद में बैठ करके फिर कभी दही चावल, कभी दूध चावल, कभी कढ़ी चावल, कृष्ण बलराम दोनों तरफ में बैठे होते हैं, एक और कृष्ण को खिलाते हैं नंदा बाबा, दूसरे को दाऊ भैया को, फिर एक और खुद खाते हैं। कभी कभी ऐसे लीला करते करते, और दूसरे पुराण में वर्णना है, नंदा बाबा कभी कभी मिर्च खाते थे और मिर्च को चावलों के अंदर में छुपा देते थे, निकाल करके एक बार काट दांत में काट देते थे और उसमें छुपा देते जिसे इनका नजर नहीं पड़े, क्योंकि मिर्ची है ना अभी छोटे छोटे बालक हैं। इतने में कृष्ण ने देखा ये बाबा क्या कर रहे हैं, ये बीच बीच में छुपा छुपा करके हमारे नजरों को बचा करके निकालते हैं और खा करके छुपा देते हैं, लगता है कोई बढ़िया चीज खा रहे और बाबा हमें नहीं दे रहे। इतने में कृष्ण ने दाऊ भैया को सर दाऊ देख बाबा बीच बीच में हमसे छुपा छुपा करके कुछ निकाल कर खुद खाते, हमको देते नहीं, लगता है कोई बढ़िया चीज निकाल कर खा। दाऊ भैया बोलते मेरा ये नटखट मेरा काम नहीं, नटखट तेरा काम है, तू करना तो तू कर। इतने में कृष्ण ने नंद बाबा का आंखों को बचाते हुए ना है उन्होंने क्या किया, उसका तो बढ़िया चीज एकदम झट निकाल करके मुंह में पूरा पूरा धर दिया, और जो चिवाया ना तो मिर्च था
बड़ा तेज था, मुंह तो जलने लग गया, फिर तो कृष्ण नाचना शुरू कर दिया। तब से नंद बाबा ना बोले भैया और कभी मैं ये मिर्च नहीं खाऊंगा, ये बच्चों को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए तब से नंद बाबा ने मिर्च खाना छोड़ दिया। अब देखोगे जितने पुराने पुराने जितने आप पुराना पुराना स्थान होगा ना वहाँ पर देखना ठाकुर को मिर्च ही भोग नहीं लगती। अब जगन्नाथपुरी में जाओ किसी सब्जी में मिर्च नहीं मिलेगा, वहाँ पर काला मिर्च थोड़ी सी देते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी काला मिर्च देते हैं वहाँ पर मिर्च। बद्रीनाथ में जाकर देखो वहाँ पर मिर्च नहीं, कहीं भी छो पुराना पुराना स्थान पर जाकर देखोगे ना, क्योंकि ठाकुर जी मक्खन खाने वाले, जो मक्खन खाने वाले उनका मुँह कितना कोमल होगा, फिर ठाकुर को मिर्च कैसे पसंद है। इसलिए मिर्च ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं कहीं ठाकुर जी को। चलिए अभी जब ब्रज में तरह तरह का उत्पात होने लग गए, एक दिन सारे ब्रजवासी लोग बैठ करके बोले देखो अभी तक ये ब्रज में हैं ये बड़े बड़े उत्पात होने लग गए, अभी हम क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले तो पुतना आ गया, फिर सकटासुर आ गया, फिर तृणावर्ता आ गया, हैं एक को बाद एक राक्षस आते ही जा रहे हैं, फिर लास्ट में क्या हुआ, जो पेड़ है ना पता नहीं ये भी गोकुल में पेड़ भी हमारे प्रतिकूल बन गए, ये भी अपने आप टूट टूट करके लाला गोबर गिरने लग गए। इसका मतलब है गोकुल है ना सबके सब पेड़ भी हमारे प्रतिकूल हो गए, इसलिए ये रहने का साथ लायक है नहीं। हम सोचते हैं और कहीं हम लोग चले जाते हैं, ये गोकुल छोड़ करके बताओ हम लोगों को कहाँ जानी चाहिए। जब उन्होंने ऐसे बात बताए और विशेष करके और एक बात बताए हैं, एक अच्छी बात बताए, विश्वनाथ चौटाल कह रहे हैं कहते पहले पहले क्या होता था हमारे गोकुल में, सबके सब भगवान विष्णु की कथा होती थी, भगवान विष्णु की कीर्तन होता था, भगवान विष्णु के दर्शन होता था, हैं उनकी परिचर्या होता था, क्या ठाकुर की कीर्तन खूब होता था। लेकिन पता नहीं ये जब से ये बालक जन्म लिया ना तब से सब छूट गया, तब से ये सब छूट गया, छूट करके हो रहे हैं क्या, कहते दिन भर ये बालक का चर्चा, आज कान्हा ने ये किया, आज कान्हा ने ये किया, आज कान्हा ने ये नटखट किया, आज गोपियों के घर में गए, आज कान्हा ने मक्खन चोरी की, मैया ने कान्हा को बांध दिया, आज राक्षस से आ गया, दिन भर कान्हा ही दिन भर इसी चर्चा। और इसी चर्चा होगा अगर भगवान की, पहले तो भगवान विष्णु का नाम कीर्तन होता था, अगर उनका कीर्तन भजन स्वरूप विपत्ति आएगा, इसलिए हम सोचते हैं शायद हम भगवान विष्णु की कीर्तन भजन छोड़ दिए, इसलिए ब्रज में तरह तरह का विपत्ति। लेकिन कृष्ण आने पर क्या होगा, सब भजन पूजन खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, क्यों, कृष्ण कौन है, कहते एते चार सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, भगवान विष्णु का इनका अंश के अंश के अंश है। जैसे पहले जितना होता था प्रभु का कीर्तन नाम, अभी ज्यादा हो रही ना ब्रज में, इसलिए तो गोपी है, गोपी मतलब क्या, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो निरंतर पान करते हैं, हैं? लेकिन उनको तो पता नहीं ब्रजवासी क्या सोचते थे, हमारा लाला है ये, हमारी छोरा लाला है, ये थोड़ी भगवान है, हैं? इसलिए तब से ये हो रहा है, इसलिए गृह के सब सर्वत्र यही कीर्तन तदर्शन निरंतर रहते, इसलिए चलो हम लोग और कहीं चले जाते। बोले कहाँ जाएंगे, जो सबसे बड़ा जो गोप उपानंद था, बोले देखो ये पास में एक सुंदर स्थान है जमुना की उस पार में, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, गैया को चढ़ने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर हरी हरी घास है, और जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, बड़ी सुंदर मीठी मीठी पानी है, वहाँ गिरिराज गोवर्धन है, और बच्चों को खेलने के लिए मैदान, और फल फूल में एकदम लदा हुआ वृंदावन धाम बड़े सुंदर है, इसलिए वनम वृंदावन नामम पश्यभ्यम नवकाननम गोप गोपी चरम सभ्य पुण्याद्री तीर्ण विरुधम है, कहते सुंदर वृंदावन धाम है, मतलब वनम वृंदावन नामम, उसका नाम क्या है, वृंदावन है, जहाँ वृंदावन है, बोले पश्यभ्यम नव काननम, वहां पर सुंदर नए नए कानन वृंदावन की, कहते एक वृक्ष में हर तरह का फल मिलता है, एक वृक्ष में हर तरह का फल मिलता है, एक वृक्ष में हर तरह का पत्ता मिलता है, वहां पर है चिंतामणि, सुंदर धाम है, अपूर्व दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम, अपूर्व वृंदावन धाम है, इसलिए कहते गोप गोपी सभ्यम पुण्यादि तृण बिरुद, सुंदर सुंदर घास गैया खाने के लिए घास, अपूर्व सुंदर वृंदावन धाम है, चलो हम वृंदावन जाएंगे। बोले कल क्यों, आज ही चलो, जाओ पूरा ब्रज में ढिंडरा बिटवा दो, हम सबके सब वृंदावन यात्रा करेंगे,
है, जितने ब्रजवासी थे, जितने बड़े बूढ़ों को तो बैलगाड़ी में बैठा दिया, और जितने जवान लोग थे भैरी भैरी बजाते हुए, शंख बजाते हुए, धनुष त्रिण को अपना धारण कर लिए। जब गैया चल रहे थे ना, काली गैया लग रही थी जैसे यमुना नदी बह रही, जब सफेद गैया झुंड को झुंड चलती थी, मान श्री गंगा देवी स्वयं गंगा प्रवाह हो रही है, बड़ा सुंदर मनोरम है, सबके सब आनंद में जा रहे थे। लेकिन एक सकट गाड़ी में मैया जसोदा और श्री रोहिणी कृष्ण बलराम बैठे हुए थे, हैं। और जैसे बच्चे लोग होते ना, तोतली तोतली बोली बोलते हैं, और जो चीज बच्चों का स्वभाव क्या, जो चीज देखे हुए पूछे, बोले मैया ये क्या, बाबा ये क्या, कहते एक गाड़ी में क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि जो मैया जसोदा कृष्ण का, कृष्ण को अपना दूर रख नहीं सकती है, इतना प्रेम कृष्ण के प्रति, हर समय मैया चाहती लाला मेरे पास में ही रह करे, हाँ लाला मेरे पास में रहे, जो कोई चीज देखे बोले मैया ये कौन सा वृक्ष है जिसमें बड़े बड़े दाढ़ी है, बोले लाला ये बरगद पेड़ है, बोले मैया ये कौन सा वृक्ष है जिसमें सारे पत्ते हिलते हैं, बोले मैया ये पीपल पेड़ है, बोले मैया ये कौन सा चिड़िया इतना सुंदर कुहू बड़े सुंदर बोली बोलता है, बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है, बोले लाला ये कोयल है, बोले मैया मैया कितने सुंदर देख जानवर है, हाँ कितने सुंदर चित्रकारी, बोले मैया ये कौन सा जानवर, बोले हिरण है, बोले मैया एक का सिंह नहीं ये क्या है, बोले जो सिंह है ना ये पुरुष है, और जो सिंह नहीं वो स्त्री, बोले मैया एक दूसरे को क्या लगे है, बोले जो बिना सिंह वाली है ना सिंह वाले की बहू लगती है, हाँ। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख कितने सुंदर चिड़िया, बड़ी सुंदर चित्रकारी है, बोले मैया ये कौन है, बोले ये मोर है, बोले मैया एक का तो पूछ दूसरा का पूछ नहीं ये क्या है, बोले जो बिना पूछ वाली ना वो पूछ वाले के बहू लगती है, बोले मैया सबका बहू मेरी बहू का है, इसलिए मेरे लिए भी एक बहू लाल है, इसलिए कृष्ण कभी मचलते है, हाँ मेरे लिए एक सुंदर सी एक बहू लाल, बोले कोई चिंता मत करो वृंदावन में चल, तेरे लिए भी एक बहू ला दू, बोले नहीं मेरे को यही बहू चाहिए, मेरे को जाऊंगा नहीं, कहीं वरना आती, बोले जाऊंगा नहीं कृष्ण तो मचले गए, बोले जाऊंगा नहीं मेरे लिए बहू ला, सबके लिए बहू, इतने में जितने बड़ी 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 गोपियां थे ना घूंघट उतार कर बैठी, बोले छाड़ ले इसको तो बहू, कृष्ण जाकर के दिए मेरी बहू, बोले ठीक है तेरी बहू चल, हाँ कृष्ण खुश होकर के चलते हैं। ऐसे ही कृष्ण सुंदर सुंदर लीला करते करते उन्होंने कहते वृंदावन में कृष्ण प्रवेश करते हैं, कहते वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावह तत्र चक्रु ब्रजवासम सकटे अर्ध चंद्रवत। फिर हम कल सुनेंगे कैसे कृष्ण वृंदावन में पहुंच करके, अभी गोकुल छोड़ करके वृंदावन आए जमुना पार करते हुए, और छठी करा में वहीं पर बैठे, फिर वहां से क्या लीला की हम फिर कल सुनेंगे, ठीक है। बांचा गलबुतर बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम Krishna Hare Hare
जय श्री शिव गुरु अनंत प्रकाश धर राधा गोविंद नाथ मदन मोहन विजय नितिन लाभ प्रवेश शिल ब्रह्म के सर चंद्र दिवसाई मारे विजय नितिन लाभ शिल भक्त के दास नारायण के सर गौरव के प्रियम सर मारे विजय भक्ति के दास स्वामी महाराज विजय भक्ति सिद्धांत सर हरि गुरु साईं प्रभुपाद विजय सपरि कर गौर हरि विजय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद विजय समागत गौर भक्त वृंद विजय गौर ब्रह्मानंद इसको बंद कर दो।